चीन है ऐसा कोई भी बात नहीं है, ये लोग गए थे ना, मैंने पत्थरबाजी नहीं की सर बाबू, ये गलत हम लोगों को खुद उल्टा मारा है। राजधानी के बरियातू में किन्नरों ने उत्पात मचाया है। घटना बरियातू के ऐदलहातू की है, जहां पर 50,000 रुपए नहीं मिलने पर किन्नरों ने घर में तोड़फोड़ की, जिसके बाद स्थानीय लोगों से मारपीट भी हुई। इस मारपीट में 5 किन्नर बुरी तरह से घायल हो गए हैं। मामले को लेकर दोनों पक्ष थाने में पहुंचा है। पूरा बवाल बधाई के पैसों के लेन देन को लेकर हुआ, जिसके बाद जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर चले के साथ लाठी डंडे चले। शादी विवाह हो, बच्चों का जन्म हो या कोई खुशी की बात, मामले में बधाई देने किनारों के पहुंचने का दस्तूर पुराना है, लेकिन वर्तमान में यह दस्तूर रंगदारी का रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी बानगी रांची के बरियातू थाना क्षेत्र के दलहाथो इलाके में देखने को मिली, जहां मन मांगी रकम न मिलने के बाद किन्नरों ने बवाल शुरू कर दिया और उसके बाद लोगों से भी भिड़ गए, जिसके बाद स्थानीय लोग और घर वाले किन्नरों के साथ मारपीट करने को आमादा हो गए। इस पूरे बवाल में 5 किन्नर भी घायल हुए हैं, वहीं 2 स्थानीय लोगों को भी चोट पहुंची है। बताया जाता है कि उमाशंकर प्रसाद की बेटी की शादी हुई थी, जिसके बाद किन्नर उनके घर बधाई देने पहुंचे थे। इस दरमियान किन्नरों के द्वारा 51,000 रुपए की मांग की गई, जिसे उमाशंकर प्रसाद ने देने में असमर्थता जताई, जिसके बाद बवाल गहरा गया। बात तू-तू मैं-मैं तक होने के बाद मारपीट तक पहुँच गयी, जिसके बाद जमकर मारपीट भी हुई, किन्नरों के द्वारा मारपीट भी की गई, वहीं स्थानीय लोगों ने भी किन्नरों के साथ मारपीट की। मामले को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने महज 5100 रुपए की मांग की थी, जिसे बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। वहीं उनके साथ रास्ते में भी मारपीट की गई, उनकी गाड़ियों को भी तोड़ दिया गया। पूरे मामले पर घर वालों का कहना है कि 51,000 रुपए की मांग किन्नरों के द्वारा की गई थी, जिसे उन्होंने नहीं दिया तो किन्नरों ने बवाल काटा और मारपीट शुरू कर दी, घर में ईंट पत्थर भी फेंक दिया। किन्नरों के द्वारा मारपीट में दूल्हा और नई नवेली दुल्हन की भी चोट पहुंची है। इस झगड़े के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे हैं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।